हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो अब बात बहुत हो रही है 408 वीज़ा की। रीज़न बीइंग, वीडियो हमने भी रिलीज़ किया, अब देखा देखी काफ़ी लोग एजेंट्स 408 की तरफ टारगेट कर रहे हैं। कई इस तरह भी स्टोरी बनाई जा रही है कि आप विस्टर वीज़ा ले लीजिए, फिर ऑनशोर विस्टर से 408 ले लीजिए, फिर 408 से स्टडी वाले पाथवे पे आ जाइए। इसी बात की आपको इसमें मैं क्लैरिटी देने वाला हूँ कि 408 वीज़ा थोड़ा डिटेल में आपको सेटलमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कितनी ड्यूरेशन का ये मिल सकता है, और ये जो विस्टर टू 408 वाला बात चल रही है उसमें कितना दम है, और 408 ऑन शोर अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो व्हाट आर द कंडीशंस, कैसे मिलेगा वो आपको ऑन शोर। तो इस चीज़ पे सारी क्लैरिटी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 408 वीज़ा में ना मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं। इसमें कल्चरल वाला भी बहुत बात हो रही है, कल्चरल स्ट्रीम भी है इसके अंदर, ठीक है। तो कल्चरल स्ट्रीम में चाहे आप जा रहे हैं, चाहे आप इन्वाइटेड स्ट्रीम में जा रहे हैं, चाहे किसी भी और तरह से जा रहे हैं 408 में, देयर आर मैनी स्ट्रीम्स इन विच यू कैन अप्लाई। अब देखिए, इसमें अप्लाई आप तभी करें जब आपकी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक स्पोर्ट्स, इसमें स्पोर्ट्स स्ट्रीम भी है, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं उसके बेसिस पे जाना चाहते हैं तो आपके पास स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और ऑनशोर और ऑफशोर वाला जो फंडा है वो भी आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। इसमें बेसिकली दो तरह से मोस्टली जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, इसमें 7-8 स्ट्रीम्स हैं, इन्वाइटेड स्ट्रीम, कल्चरल स्ट्रीम, स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स, रिलीजियस स्ट्रीम। तो जितनी भी स्ट्रीम्स हैं इसमें दो तरह से वीज़ा ग्रांट होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पॉन्सर और सपोर्टर। ये दो टर्म्स हैं इसमें, एक होता है सपोर्टर, एक होता है स्पॉन्सर। अब जो सपोर्टर क्या है, सपोर्टर एक बेसिकली एक बॉडी है या एक कोई इंडिविजुअल है जो डील कर रहा है आपको इनवाइट करने में। सपोज आप इनवाइटेड स्ट्रीम में जा रहे हैं, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब कॉन्फ्रेंस में जो ऑर्गेनाइज़र है वो आपको अगर इनविटेशन दे देता है, ठीक है ना, कि आप आइए 3-4 दिन के लिए, 5-6 दिन के लिए इवेंट अटेंड कीजिए, तो उसमें अगर आप टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा लगाते हो इन्वाइटेड स्ट्रीम में, दैट मीन्स वो जो आपको इन्वाइट कर रहा है वो सपोर्टर है। तो सपोर्टर के बेसिस पे 3 महीने से ज़्यादा वीज़ा ग्रांट नहीं होता, और विद सपोर्टर आप ऑफशोर ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ऑनशोर नॉट अलाउड, ठीक है ना। ये क्लैरिटी में हम देने, जितने भी स्ट्रीम्स हैं चाहे कल्चरल है, मोस्टली सब की बात कर रहा हूँ, एक दो जिसमें ये इवेंट वाला पंगा नहीं है उसको छोड़ के, जितने भी स्ट्रीम्स हैं, स्पोर्ट्स है चाहे रिलीजियस स्ट्रीम है, एनी स्ट्रीम, अगर आपके पास सपोर्टर है देन यू कैनॉट अप्लाई दिस वीज़ा ऑन शोर। वो उसकी मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ विस्टर टू 408 वाले की। विस्टर पे जाके 408 तभी मिलेगा जब आपके पास सपोर्टर के बजाय स्पॉन्सर है। और व्हाट इज स्पॉन्सर? स्पॉन्सर एक वो बॉडी है या वो इंडिविजुअल है जिसको अप्रूवल दी गई है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के द्वारा, दैट मीन्स ही इज़ अप्रूव्ड टू स्पॉन्सर यू ऑन टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा। अब ये लेने के लिए अलग से प्रोसेस है, एक अलग से ऑनलाइन फॉर्म है फॉर द स्पॉन्सर्स, जो कि वहाँ पर पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड होंगे। अगर कोई बिजनेस है तो ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर होगा उनके पास, सारे डॉक्यूमेंटेशन होगी, सिटीज़न होंगे वहाँ के, और उन्होंने अप्रूवल लेके $420 की फ़ीस दे के स्पॉन्सरशिप फॉर्म भरकर स्पॉन्सरशिप की अप्रूवल ली हुई है, और ये अप्रूवल मिलती है 5 साल के लिए, दैट यू आर अप्रूव टू स्पॉन्सर एप्लीकेंट्स ऑन टेम्परेरी एक्टिविटी वीज़ा। तो वो इंडिविजुअल या अगर बॉडी आपके पास है और आप ऑन शोर हैं, मतलब विस्टर पर आप वहाँ पर गए हुए हैं, और ऐसा स्पॉन्सर आपको मिलता है, अब स्ट्रीम कोई भी हो, अभी मैं स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंस बिटवीन सपोर्टर एंड स्पॉन्सर, एंड आई एम गाइडिंग यू कि ऑन शोर 408 कैसे मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी का पहला पॉइंट ये मिल गया, सपोर्टर अलग है, स्पॉन्सर अलग है। सपोर्टर के साथ आप ऑन शोर अप्लाई नहीं कर सकते, स्पॉन्सर के साथ कर सकते हैं। सपोर्टर के साथ आपको वीज़ा 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं मिलेगा, मोस्टली 3 मंथ्स का ही मिलता है, लेकिन विद स्पॉन्सर 2-2 साल तक का, साल साल का भी वीज़ा मिल जाता है, राइट। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों के। तो स्पॉन्सर में कितने एडवांटेज हैं, लेकिन स्पॉन्सर हर कोई नहीं बन सकता। स्पॉन्सर के लिए जो ऑस्ट्रेलियन साइड पे बॉडी है या जो इंडिविजुअल है जो आपको कर रहा है, बुला रहा है, जो भी कर रहा है किसी भी स्ट्रीम में, उसके पास अप्रूवल होनी चाहिए, और अप्रूवल लेने के लिए प्रॉपर एक फॉर्म परफॉर्मा है ऑनलाइन ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी पे टू बी अप्रूव्ड
स्पॉन्सर फॉर 408 वीज़ा, वो 5 साल के लिए मिलता है, फीस वगैरह भर के सारी चेकिंग होती है आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन की, क्या वो करते हैं, क्यों बुलाना चाहते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। तो अगर स्पॉन्सर है आपके पास, देन दो आपके पास चीज़ें आप पॉजिटिव हो जाएंगी, एक आप ऑनशोर भी 408 ले सकते हो, नंबर टू ज़्यादा टेन्योर के लिए आपको वीज़ा मिलेगा अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो। अगर आप जाके चेक इन करेंगे 408 में तो हर एक जगह उन्होंने लिखा हुआ है, अगर सपोर्टर है तो अप टू 3 मंथ्स मिलेगा वीज़ा, अगर स्पॉन्सर है तो 1-2 साल तक भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल गई 408 में कि अगर सिंपल इन्विटेशन है, कुछ खास नहीं है, देन आपको वो आपको सपोर्टर ही है वो, जिसने सिंपल एक फैक्ट है, अगर जो आपको बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है, चाहे कल्चरल एक्टिविटी के लिए चाहे कॉन्फ्रेंस के लिए, अगर उसने अप्रूवल्स नहीं ले रखी हैं तो वो सपोर्टर ही है, और उसके बेसिस पे आपको 3 महीने का वीज़ा मिलेगा। और ये जो 3 महीने वाला वीज़ा है ये आप ऑफशोर ही ले सकते हो, मतलब आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया ले सकते हो, और ये लेना आसान है कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको अप्रूव्ड स्पॉन्सर लेना और जो वहाँ पर बंदे हैं उनको स्पॉन्सरशिप के लिए अप्रूवल लेना इतना आसान नहीं है। तो मतलब जो तादाद है, पॉपुलेशन है, इसकी ज़्यादा मिलेगी आपको कि जो सपोर्ट कर दे। तो पर्पस अब क्या है कि वहाँ पर स्टडी वीज़ा लेना, क्योंकि विजिटर वाला चैनल हो गया बंद। अब यहाँ पर क्लैरिटी आपको ये दे देते हैं कि हमने भी 408 पे कराए हैं कन्वर्जन्स, लेकिन अब जुलाई के बाद हमारी फाइल्स लगी हुई हैं बट अभी रिज़ल्ट नहीं आया। जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम उस पर आपको क्लैरिटी देंगे कि अब जो ये 408 आ रहा है विदाउट कंडीशन आ रहा है या विद कंडीशन आ रहा है। अगर विद कंडीशन आ गया, कंडीशन की बात 8503 की कर रहा हूँ, नो फर्दर स्टे, क्योंकि उनको भी मालूम है अब मैक्सिको की 408 ओपन रह गया, हमने उसको नहीं किया बंद तो लोग उस तरफ जाएंगे। अब उधर उन्होंने अगर कंडीशन देनी शुरू कर दी, ये अभी इन बिटवीन है बात, अब मैं यहाँ कुछ कंफर्म नहीं कर रहा कि कंडीशन आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हम तब बनाएंगे वीडियो जब हमारे पास वीज़ा के रिज़ल्ट जुलाई के बाद वाले जो हमने लगाई हुई फाइल्स आ जाएंगे, कि अगर उसके बेसिस पे तब हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि भाई नो फॉर द स्टे हर एक को नहीं आ रही, देन इट इज़ अ गुड ऑप्शन, राइट। अभी आप हम भी उसमें हैं कि आप नो फॉर द स्टे देते हैं या नहीं देते, राइट। तो ऐसे किसी की झांसे में मत आएँ, तभी हम ये क्लैरिटी अलग से वीडियो बना रहे हैं 408 को फोकस होकर कि ये स्टडी में कन्वर्ट कैसे, वहाँ ऑनशोर ऑफशोर कैसे होना, ठीक है ना। तो जैसे मर्जी आप वीज़ा लीजिए तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। 408 अगर आपके पास सिंपल एक सपोर्टर है तो 3 महीने का मिलेगा, लेकिन ये भी अगर नो फर्दर स्टे के साथ आता तो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, ठीक है। अब जो ये लोग कह रहे हैं कि विजिटर पे चला जाए, वहाँ पर चले जाइए, फिर वहाँ से ऑनशोर 408 ले लीजिए, हमारे पास स्पॉन्सर है, क्योंकि ऑनशोर कब मिलेगा मैंने आपको क्लैरिटी दे दी, अगर स्पॉन्सर है तभी मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब क्लैरिटी दे रहा हूँ फ्रॉम द एम्बेसी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप विजिटर पर आए हो, ठीक है, सपोज आपको विजिटर वीज़ा मिल गया, आपका प्लान है कन्वर्जन का, आप 408 वाले रूट के ऊपर जा रहे हो कि वहाँ जाके स्पॉन्सर है एजेंट के पास, मुझे 408 मिलेगा, 408 के बाद मैं स्टडी डालूँगा, तो वो मैं क्लैरिटी अब एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि अगर सपोज आपको विजिटर वीज़ा मिल गया, आप वहाँ पर चले गए और वहाँ पर आपने ये 408 डाल दिया स्पॉन्सर की हेल्प से, तो एम्बेसी को आप क्या समझते हो, एम्बेसी को पता नहीं लगेगा। अगर आप कहोगे मैं कल्चरल शो करने आया हूँ तो वो कहेंगे आप तो विजिटर पे हो तो कल्चरल शो तो आप अगर 3-4 दिन का या 2-3 दिन का विजिटर वीज़ा पे भी कर सकते हो, आप कोई काम थोड़ी कर रहे हो। ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा आप खुद सोचिए। आपके पास विजिटर वीज़ा है, 3 महीने आप वहाँ रह सकते हो, अगर कोई इवेंट आपने ऐसे अटेंड करना भी है यू कैन डू दैट, उसमें मनाही तो नहीं है ना, सिर्फ काम करने पे मनाही है, यू कांट डू वर्क, यू कैन अटेंड दैट इवेंट, यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट इवेंट, नो इश्यूज। लोग मिस्टर ये टूरिस्ट वीज़ा लगा के पेपर भी तो देने जाते हैं, राइट, हालांकि वो बिजनेस स्ट्रीम है उसके लिए, सो दैट इज़ अ सेपरेट चैप्टर। तो मेरा कहने का मतलब है ये वाले जो है ना रूट जिस जो काफ़ी लोग हमारे से अब कंसल्टेशन में भी आए हैं तो पूछ रहे हैं, तो उसको मत आप ध्यान में रखें कि विजिटर पे जाएंगे फिर विजिटर पे 408 स्पॉन्सर की हेल्प से लेंगे और फिर हम स्टडी डालेंगे, इतना लंबा रूट काम का नहीं है फ्रेंड्स, लॉजिकल नहीं लगता ये चीज़। 408 पे जाना है तो यहीं से आप 408 लगाओ ना, स्पॉन्सर है तो बहुत बढ़िया, वो लॉन्गर स्टे के लिए आपको मिल जाएगा, अगर सपोर्टर ही है तो सपोर्टर से भी तो जा सकते हो,
क्योंकि हमने स्पोर्टर्स के बेसिस पे भेजे हैं और नो फर्दर स्टे नहीं आता उसमें और वो कन्वर्ट हुए हैं. वी हैव पीपल देयर जो कर रहे हैं पर वो जुलाई से पहले वाले हैं. अब जुलाई के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर क्लैरिटी हम आगे दे पाएंगे कि नो फर्दर स्टे आ रही नहीं आ रही. अगर नहीं आती देन इट इज़ कन्वर्टेबल. वो तो सपोर्टर के साथ भी आपको मिल जाएगा. स्पॉन्सर वाले चक्करों में क्यों पड़ना. ठीक है. ऑन द अदर एंड अगर आप विजिटर पे हो अपना स्टे एक्सटेंड करना चाहते हो वो अलग मोटिव है कि आपको ज़्यादा देर के लिए वहाँ रहना है लीगली. तब अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो आपका लंबे स्टे का वीज़ा आपको मिल जाएगा. दैट इज़ द ओनली एडवांटेज विद स्पॉन्सर व्हेन यू आर ऑन शोर. ठीक है ना. अब मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ. काफ़ी चीज़ें हमने इसमें बताई हैं स्टेप बाय स्टेप. नंबर वन, 408 स्टडी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा. इसका आंसर ये है कि अगर नो फर्दर स्टे नहीं आती है कंडीशन देन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हो कि इसके ऊपर आप स्टडी वीज़ा नहीं डाल सकते. देन दैट मीन्स यू कैन अप्लाई और आपका सारा पीछे प्रोफाइल ओके है देन यू कैन गेट. ठीक है. ये फर्स्ट पॉइंट क्लैरिटी. इस पर पहले कन्वर्जन हुए हैं. यस कन्वर्जन्स हुए हैं हमने करवाए हैं लेकिन जुलाई के बाद अभी रिजल्ट्स नहीं आया. अगर नो फर्दर स्टे लग गया फिर तो नहीं हो पाएगा. वो तो क्लियर है. तो दैट मीन्स निचोड़ इसमें फर्स्ट जो कंक्लूजन निकला अगर 408 आपके पास है विदाउट कंडीशन वाला तो दैट कैन बी कन्वर्टेड बिकॉज अभी तक कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप 408 पे स्टडी वीज़ा नहीं डाल सकते. ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया. दूसरा, ऑन शोर 408 ले सकते हैं विस्टर के ऊपर. द आंसर इज येस यू कैन टेक 408 ऑन शोर. ठीक है ना. बट यू शुड हैव स्पॉन्सर. इसमें दो कैटेगरीज के सपोर्टर्स हैं. दो कैटेगरीज हैं. एक है सपोर्टर वाला 408, एक है स्पॉन्सर वाला. स्पॉन्सर वाला कौन है जिसके पास अप्रूवल्स हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की स्पॉन्सर करने के लिए. अगर वो बंदा आपके पास है या एजेंसी आपके पास है या बॉडी आपके पास है जो आपको स्पॉन्सर कर सकती है देन ऑनशोर आप कर सकते हो और वो लॉन्गेस्ट स्टे के लिए आपको वीज़ा मिल सकता है. ऑन द अदर एंड अगर अप्रूव्ड स्पॉन्सर नहीं है देन यू कैन नॉट अप्लाई ऑनशोर. थर्ड क्लैरिटी, इस रूट का फ़ायदा है कि विजिटर पे चले गए और फिर वहाँ स्पॉन्सर मिल गया जिससे हमने 408 ले लिया और फिर स्टडी वीज़ा डाला. आंसर इज़ नो. ये कोई लॉजिक नहीं है. अगर आप कोई भी इवेंट के लिए कल्चरल अदा करते हो तो सपोज कल्चरल एक्टिविटी करना चाहते हो तो उसमें आपको मैंने बता दिया कि आप विजिटर पे भी कर सकते हो जाके. उसमें ये इतना लंबा पैसा खर्चा करके स्पॉन्सर लगवा के करने का कोई लॉजिक नहीं है. तब ये सब चीज़ें करोगे तो स्टडी कहाँ से देंगे. वो आप कहेंगे आप तो ये पूरी प्लानिंग कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट ए मतलब विजिटर टू 408 देन 402 स्टडी इज़ ए रॉन्ग ऑप्शन. नॉट लॉजिकल एट ऑल. तो ये तीसरी क्लैरिटी हमने आपको दी. फोर्थ, बेस्ट वे यही है कि इफ़ यू डिस्कस केस विद अस, अगर आपको 408 की एलिजिबिलिटी बनती है देन अप्लाई फॉर 408 विद सपोर्टर. राइट. स्पॉन्सर अगर आपके पास अपना है देन इट्स वेल एंड गुड देन फाइल विद स्पॉन्सर. अदरवाइज फाइल विद सपोर्टर. सपोर्टर में ज़्यादा चक्कर नहीं है. यहाँ से इन्विटेशन आप रजिस्टर करें कॉन्फ्रेंस में वहाँ से भी आ जाता है. राइट. अब उसके बाद अगर फर्दर नो फर्दर स्टे नहीं आता देन यू कैन गो फॉर स्टडी वीज़ा. अदरवाइज नॉट. तो वो आप कर सकते हो. राइट. तो उसमें आने का चांस है ना नहीं है वो आपके लिए जूम मीटिंग है ना. उसमें आप डिस्कशन कीजिए. लोग आते हैं डिस्कशन करते हैं उनको फ़ायदा होता है. उसमें हम क्लैरिटी यही देते हैं कि क्या चांसेस हैं आपके आने का. क्योंकि 408 भी ऐसे नहीं है कि मिठाई बन रही है हर एक को मिल जाएगा. इट इज़ ऑल्सो ए स्ट्रिक्ट वीज़ा. ऑस्ट्रेलिया के सारे वीज़ा स्ट्रिक्ट हैं. तो इस पर अगर आपको मिलना है नहीं मिलना है वो क्लैरिटी आपको हम देंगे इन द मीटिंग. क्योंकि वो इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस. राइट. बाकी इसके अलावा और भी ऑप्शन हम उसमें हम आपको बता देते हैं कि अगर ये फिजिबल नहीं है तो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू. राइट. वो हम उसमें मीटिंग का ये फ़ायदा रहता है आपके. तो आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई 408 के लिए. इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि अभी क्लियर नहीं थी वो हमने आपको क्लैरिटी दे दी. राइट. सो होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. Thank you very much.